आप देख रहे हैं जोश न्यूज। डिस्ट्रिक्ट न्यूज अपडेट्स में खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। रिपोर्ट कर रहे हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ जोश न्यूज सियालकोट मोहम्मद फैसल भट्ट। पसरूर में कत्ल की वारदात। दिन दिहाड़े खोखरा चौक में पुलिस की वर्दी में मुलबूस मुलजमान ने फायरिंग करके 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। लवाहिकीन का नाशें कचहरी चौक में रखकर रोड ब्लॉक करके पुलिस के खिलाफ एहतजाज। एहतजाज के बायस पसरूर से बाहर जाने वाली हर किस्म की ट्रैफिक भी बंद रही। मुलजमान की गिरफ्तारी और आला अफसरान के मौके पर आने तक एहतजाज और ट्रैफिक बंद रहेगी, एहतजाज करने वालों का मुतालबा। गुज़श्ता रोज़ इश्तिहारी मुलजमान ने पुलिस वर्दियों में मलबूस फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल और 2 अफराद को शदीद जख्मी कर दिया था। वाकया पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। 3 साल कबल भी मुलजमान ने इसी फैमिली के 4 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। थाना सदर पुलिस 3 साल का अरसा गुजरने के बावजूद मुलजमान को गिरफ्तार न कर सकी। एहतजाज में खवातीन की कसीर तादाद भी मौजूद रही। खवातीन ने अपने मुतालबात के लिए कतबे उठा रखे थे। अफसोसनाक वाकया कल थाना सिटी के इलाका चौक खोखरा में पेश आया था।